वेलकम बैक गाइस माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो अभी तुम्हारा भाई जा रहा है खेत पर खाना लेकर पापा और यंदर के लिए। तो चलते हैं, दिखाते हैं कि खेत पर यंदर और पापा क्या कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं। सावन आया ऐसे के दिल भर गया सीने तक वो आंख तर गया। दूर किसी एक बस्ती में दो दिए जलते थे, दो प्यार में जलती लो को वो बुझा कर गया। तो गाइस यहाँ पर पापा और जेंद्र खाना खा रहे हैं और यहाँ पर सब लोग छोड़ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ भी छोड़ हो रही है और इधर भी साइड में सब लोग छोड़ रहे हैं खेत पर, यानी जो गन्ना का खेत है। जो आपके गन्ना होता है आपकी तरफ की नहीं, कमेंट करो। अब ये खा लेते हैं फिर हम चलते हैं घर पर। तो गाइस आज चलो हमने सोचा कि आपको नहर के अंदर की जो झाल है उसे दिखाते हैं, क्योंकि पानी जब होता है तो मैंने बहुत बार दिखाई होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लो। और इस वक्त मैं नहर के अंदर ही खड़ा हूँ, पीछे देख सकते हैं दीवार ऐसी बनी हुई, इसी को कहते हैं झाल। तो आप दिखाते हैं कैसे, यानी इसकी गहराई कितनी है। तो गाइस देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की है ये झाल। कितनी ज़्यादा ईंटें पड़ी हैं, यानी जब पानी होता है तो उधर से पानी आता है, इसके ऊपर से गिरता है नीचे से और यहाँ आगे को जाता है पानी। और सुबह सूखी तो देख सकते हैं किस हिसाब से बनी हुई है। ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, अंग्रेजों के ज़माने की शायद है, पापा बताते हैं ऐसे। और अब भी सलामत है, लेकिन इसकी ईंटें तो उखड़ गई हैं क्योंकि पानी का जब बहाव गिरता है ना ऐसे धड़ाम से, तो इस वजह से। तो इसके अंदर चल के दिखाते कितनी ऊंची है। अभी नीचे आ चुका हूँ लेकिन यहाँ डर है एक बात का, क्योंकि यहाँ सांप क्रीगा बहुत ज़्यादा है, यानी सर्प सांप तो जानते होंगे बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं डर भी रहा हूँ, लेकिन आज अकेला हूँ। देख सकते हैं गाइस कितनी, यानी किस तरह के हैं इसके अंदर का नज़ारा। तो अभी तुम्हारा भाई खड़ा है नहर के अंदर, क्योंकि इस वक्त पानी नहीं है। तो हमने भी चलो पानी के, जब पानी इसमें होता है तो आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, आज बिना पानी के दिखाते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है। तो देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी ऊँची, यानी हमसे तो ऊँची है, जबकि मैं इतना लंबा हूँ तब भी ये हमसे भी ऊँची है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर जब पानी होता है तो कितनी गहराई होती होगी। यहाँ पर तो कोई नहीं नहाता है, लेकिन पहले जब सही थी तो शायद भले कोई नहाता होगा, लेकिन अब तो यहाँ सांप क्रीगा बहुत सारे होते हैं। देख सकते हैं किस तरह की हो रखी है इस वक्त। तेरे मन में वहाँ ऐसी थी क्या रुसवाई, पल भर की आहट में। तो गाइस देख सकते हैं ये बोर्ड अभी नया लगा है एक दो दिन में, तो इस पर आप लोग पढ़ सकते हैं। इस नहर के बारे में सब कुछ लिखा है कि कब से इसकी शुरुआत हुई, कहाँ तक जाती है, कितने किलोमीटर इसकी लंबाई, सारा कुछ लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से जाती है छोटी नहर, यानी ये बड़ी है, और यहाँ से ऐसे कट के जाती है छोटी नहर, जो कि गांव के जो खेत हैं उनको सिंचाई करती है। देख सकते हैं इसकी सफाई हो चुकी है। बस अभी हम भिट्टा बना रहे हैं चाय, क्योंकि अभी मम्मी कहीं गई हुई है, तो हमने कहा चलो चाय बना रहे थे क्योंकि चाय तो मुझे ही पीनी है। तो गाइस कितने लोग हैं जो अपने आप चाय बना के पीते हैं, हमें कमेंट में जरूर से बताना। मैं जब तक तो इतने, यानी चार इस वक्त 4-5 बजे का टाइम है, तो इस वक्त मैं चाय रोज बनाता हूँ। अगर आप इस टाइम आते हो तो आपको चाय पियाएंगे। अभी तो चाय पी हो पी हो तो कह दो लाइक कर दो। और कुछ कह दो, तुम क्या कही हो? रोटी खबाई वाली जी लगा है तो कहते खाना खवाई। हाँ तो चाय बन जाएगा, फिर दिखाते हैं कि कैसी चाय बनी है। तो फिर आप बेटा चाय पियो। तो गाइस देख सकते हैं इस पर बन रही है चाय हमारी। तो अभी यानी काफी देर हो गई है, तो अभी खाना आया नहीं है, लेकिन आने वाला है थोड़ी देर, क्योंकि मैं तुमसे धड़ाधड़ बार रहा हूँ। और इधर है मेरी बिट्टा, ये देखो बिट्टा।
गाइस मम्मी अभी पूजा कर रही है, देख सकते हैं आज यानी सोमवार का दिन है तो मम्मी देवी मैया का पूजा कर रही है, तो आप भी दीपक ले सकते हैं और मैं भी पैर जो लेता हूँ माता जी के, देख ही सकते हैं। गाइस अब आपको मैं बता दूं कि यार अभी तक मेरा एडसेंस पिन नहीं आया है, क्योंकि मैं तीसरी बार भी मैंने अप्लाई कर दिया है तो सात यानी एक सप्ताह हो चुका है मुझे अप्लाई किए हुए। अभी खैर मैं पूछने वहां पर नहीं गया क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूँ शायद उनका फोन आ जाए, क्योंकि शायद नंबर भी तो लिखा रहता है उस पर और फोन नहीं आता है, तो मैं देखो कल या परसों जाऊंगा चेक करूंगा कि आखिरकार मेरा एडसेंस पिन आया कि नहीं। अगर इस बार नहीं आया तो फिर कैसे अप्लाई किया जाता है यार मुझे जरूर से बताना। पहली बार तो मैं वीडियो बनाऊंगा कि आया कि नहीं, क्योंकि यार गांव में यही दिक्कत होती है क्योंकि गांव में आ नहीं पाता यार कोई चीज़ है वो गांव में नहीं आ पाती जल्दी जल्दी। फिर भी मेरे गांव में यानी और पड़ोस में भी कभी एडसेंस पिन मुश्किल से ही आया होगा क्योंकि मैंने ही मंगाया, मैंने यूट्यूब शुरू किया यहाँ पर, तो आप लोग दुआ करना आ जाए यार और आपका भाई का पेमेंट भी जल्दी आ जाए। तो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, अपने छोटे भाई को प्यार दो यार और बहुत अभी आगे जाना है आप लोगों के साथ मिलकर काम करना है तो प्लीज प्यार और सपोर्ट दिया करो।